Narkasur! Narkasur! सामने आओ। अक्रूर जी, इस विकट समय में आपकी भूमिका बहुत ही मुख्य है। बताइए श्री कृष्ण, क्या करना होगा मुझे? सभी को कह दीजिए कि केवल फल खाएं। जब तक मैं ना कहूं, चूल्हे पर बनाया हुआ भोजन ग्रहण ना करें, अपने घर का चूल्हा ना जलाए। इतनी सावधानी अति आवश्यक है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना कान्हा? हाँ अक्रूर जी। सब लोग अपने घर का चूल्हा बुझा दो, शीघ्र अपने घर का चूल्हा बुझा दो, समझे? मुझसे बचना चाहते हो? मेरे विनाश से नहीं बच सकते। घरों के चूल्हे बुझने से पहले मैं विनाश कर दूंगा मथुरा का, विनाश। आप तो अपने समाज के मुखिया हैं, फिर अपना समाज इतना दुर्बल क्यों है? तुम्हें तो पता है पुत्र, हमारा समाज मथुरा से बाहर रहता है। मथुरा वासियों का काम करना ही हमारी आजीविका है, परंतु कुछ समय से मथुरा वासियों के पास मुद्रा नहीं है, जिसके कारण हमारा काम कम हो गया है। जिस दुर्बलता की चिंता तुम व्यक्त कर रहे हो, ये उसी का दुष्परिणाम है। पिताश्री, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि सब के पीछे केवल एक ही व्यक्ति है, कृष्ण। तो कुछ नहीं हो रहा है गाना? बहू, कपड़ों को ईटी में धोने से रीति किसी झाग से सारा धुआं खिंच जाता है। सुभद्रा, मैंने गीली चादर लाने को कहा था, कहाँ है? हाँ, यहीं पे, मैं भी लाती हूँ। शीघ्र दाऊ, पकड़िए सुभद्रा, वहां से पकड़िए। निकालो कोई मुझे, बचाओ, कोई निकालो मुझे, बचाओ। निकालो कोई मुझे। दाऊ, इसे बांध दीजिए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। नरकासुर फेना के जाल में फंस गया, परंतु इससे लाभ? दाऊ, अब ये नरकासुर वज्र के समान ठोस बन जाएगा, भाग नहीं पाएगा।